नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। चलिए दोस्तों, अच्छी शुरुआत करते हैं। अच्छी शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज है 3 अक्टूबर और टाइम रहा दिन के 12:30, मार्केट ऑफ है क्योंकि संडे है। बट मुझे लगता है कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो एक शेयर के अंदर बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उस शेयर के अंदर लास्ट 3 से 4 दिन का ऐसा अप ट्रेंडिंग आया है कि उसके अंदर जो चार्ट पे यानी डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे जो ब्रेकआउट आ रहा है, तो लगता है कि अब इस शेयर के अंदर जितनी गिरावट होती हो चुकी है, अभी शेयर के अंदर तेज़ी अब आनी बाकी है, क्योंकि ये शेयर जब जब भागता है तो नए नए अब ट्रेंड की तरफ भागता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो कंपनी का नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो कंपनी का बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सब समझ ही चुके होंगे किस वेंचर में कंपनी वर्क करती है। हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वर्क में काम करती है। और भेल के बारे में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मार्केट के अंदर ट्रेड करता हो जिसको भेल के बारे में ना पता हो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है और हर किसी को लगता है कि एक ना एक दिन भेल मल्टीबैगर बनेगा। और मल्टीबैगर बना भी भेल ने, जो 27-28 रुपये ट्रेड करता था वो 80 तक पहुंच चुका था। अब फिर 50 के बाद फिर से इसमें अब ट्रेंड की रैली स्टार्ट हुई है। चलिए दोस्तों, समझते हैं। तो मैं आपको मोटा मोटा समझाऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि वीडियो के अंदर बस आपको बताना है क्या क्यों वीडियो बन रही है, क्या वजह है, क्योंकि इसमें और क्या ट्रेंड आएंगे, बस इसलिए वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। तो पावर सेक्टर में, ट्रांसमिशन में है, रिन्यूएबल एनर्जी में, ट्रांसपोर्शन में, वाटर के अंदर है, ठीक है। कंप्लीट प्रोडक्ट लिस्ट यानी कि इस ये पावर सेक्टर का जितने भी इक्विपमेंट बनता है उसका काम करती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर, तो इन चीज़ों में वर्क करती है कंपनी का, ठीक है। बेसिकली ये काम है, ये ओवरव्यू, बाकी आप वेबसाइट पर जाकर खुद से चेकआउट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि फ्राइडे के दिन ऐसा क्या हुआ कि हर कोई इन्वेस्टर, हर कोई एनालाइज़र इसकी तरफ अब ट्रेंड की इसकी तरफ बुलिश ट्रेंड हो चुका है। जो कल तक इसमें गिरावट बता रहे थे, फिर से आज इसमें बुलिश ट्रेंड आ चुका है। ऐसी क्या वजह है, आप समझते हैं। तो ये मैंने देखो गूगल पर ओपन कर लिया भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स को। तो ये ओपन होता है 64 रुपये फ्राइडे के दिन, 64 रुपये 30 पैसे पे। हाई मारता है 66 रुपये 30 पैसे का, लो मारता है 63 रुपये 60 पैसे का, 60 पैसे का, ठीक है। यानी कि 1.5% 2% की तेज़ी के साथ गया था, ये 1.5% की तेज़ी पे क्लोज हुआ है। ये इसका 52 हाई है 79.55, 52 लो है 26.75, यानी कि ये 30 रुपये के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। ये देखिए 80 और 30 यानी 40 रुपये के बीच में ट्रेड करता था। मुझे लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर अपना 52 हाई तोड़ेगा डेफिनेटली। अब समझते हैं इसका ओवरव्यू क्या है। तो ये मनी कंट्रोल की मैं साइट पे आ चुका हूँ, तो ये तो कंपनी का ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कंपनी के अंदर क्या प्लस पॉइंट ये समझते हैं। पहली बात ये देखिए, कंपनी कर्जा यानी कर्जा कम है, कंपनी की ग्रोथ रेट अच्छी है, कैश फ्लो अच्छा है, कंपनी जीरो प्रमोट पेलेज पे है, ठीक है। एफआईपी इंस्टीट्यूट्स की इसमें वो होल्डिंग है, ठीक है। ये तो इसके प्लस पॉइंट है कंपनी के। अब और क्या है इसके अंदर, अब आपको समझाता हूँ मैं। ये देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर किन किन शेयरों के अंदर बुलिश हो चुके हैं इस टाइम पे। सन फार्मा में, बेल में, कैना बैंक में, ये डबल डिजिट रिटर्न इन यानी कि डबल डिजिट के रिटर्न देंगे 2 से 3 वीक्स के अंदर, ये क्लियर आउट हो चुका है। ये बड़े बड़े ये न्यूज़ है, ठीक है, बेल्स के अंदर भी। तो इधर हमें 100% एनालाइजर बोल रहे हैं मनी कंट्रोल पे कि भाई इसमें आप बाय कर सकते हैं। अब इसका फाइनेंस थोड़ा सा समझते हैं, ओवरव्यू ये ज़रूरी है समझना हर शेयर के बारे में। ये देखिए पिछले दो, पहले हम इसका क्वार्टर बाई क्वार्टर समझते हैं, उसके बाद ईयर ईयर वाई पाएंगे। तो ये क्वार्टर बाई क्वार्टर है। ये देखिए मार्च क्वार्टर के अंदर इन्होंने रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया था 7,170 करोड़ रुपये का, वहीं जून क्वार्टर के अंदर इन्होंने 2,901 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इनका माइनस में रहा है, डाउन में रहा है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है क्यों डाउन रहा है, ये बाकी आगे समझाऊंगा। ईपीएस भी इनका डाउन आया था इस वजह से, ठीक है ना। तो अब इसका ईयर ईयर वाइज समझते हैं। तो इनका रेवेन्यू जो था वो डिक्रीज़ हो गया, यानी ये दो ईयर से लगातार इनका रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है, ठीक है, इनके इसलिए इनका प्रॉफिट भी डाउन हो रहा है। तो ये दो ईयर से इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कम हुआ है, तो ये समझने वाली बात है। इसलिए शेयर के अंदर गिरावट आई थी मार्च के बाद, 2020 के बाद से, जब से ये अप ट्रेंड के बाद से डाउनफॉल की तरफ आ चुका था। अब इसमें थोड़ा सा शेयर होल्डिंग समझते हैं इसके कितने कितने हैं। ये देखिए प्रमोटर के पास इसकी शेयर होल्डिंग है 63% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। FIIs के पास 4% की है, DIIs के पास 12% की है और पब्लिक के पास 9% की है, ठीक है। ये इसका ओवरव्यू है कि भाई किसके पास कितनी है, इसका ओवरव्यू है ये।
तो आप समझते हैं कि किस न्यूज़ के चलते। देखिए, जब ये न्यूज़ आई थी यानी 29 सितंबर को एक न्यूज़ आई थी कि बेल ने अपना फर्स्ट हाफ के अंदर यानी कि फर्स्ट हाफ के अंदर यानी 2022 के फर्स्ट हाफ के अंदर ही इन्होंने अपना 1500 करोड़ का इन्होंने रिकवरी किया है, ठीक है, पैसा इन्होंने रिकवर किया है। ये इस न्यूज़ के चलते 29 तारीख को न्यूज़ आई थी, उसके बाद से ही शेयर अप ट्रेंड की तरफ आ चुका था। एक ये न्यूज़ थी, आप समझते हैं कि इसका ओवरव्यू समझते थोड़ा सा। ये मैंने मनी कंट्रोल की साइट पर आ चुका हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम इक्विपमेंट बनाती कंपनी। ये देखिए, 2 क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू कम है और प्रॉफिट जगह माइनस में चल रहा है, यानी कि 2020 के अंदर आया था 245 करोड़ का लॉस हुआ था इनको, वहीं इस तरह आया था यानी कि प्रॉफिट कम लॉस कम हुआ था, ठीक है। यहाँ 2021 के अंदर यानी 83 करोड़ यानी 83% का वो हुआ था। तो ये थोड़ा सा वो है, ठीक है, ये ओवरव्यू है। अब फाइनेंसली अब थोड़ा सा और समझाता हूँ टिकट टेप की साइड पर आपको। ये देखिए, ये है नेट इनकम इनकी। देखिए, पहले 2020 के अंदर ये यानी 19 में प्रॉफिट मेकिंग थी, फिर 2020 के अंदर इन्होंने का 1466 करोड़ का माइनस में थी, और वहीं 2600 रुपये। ये था बस ओवरव्यू था। ये आप समझते चार्ट पे, असली वजह है चार्ट के अंदर चल के देखते कि हो क्या रहा है शेयर के अंदर, क्या अभी भी अप ट्रेंड आएंगे, क्या सही समय इसमें बाय करने का, ये भी समझते आप। ये तो कंपनी का ओवरव्यू था अभी तक। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर लिया है, ये देखिए, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। ये देखिए, मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर लिया, ये इसका डेली चार्ट ओपन है। अब चार्ट के अकॉर्डिंग समझता, पहले डेली, फिर वीकली, फिर मंथली, तीनों चार्ट आपको समझाऊंगा। थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है इस वजह से नेट का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, एक लाइक से ही बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए डेली चार्ट पे, ये देखिए 28 तारीख के बाद 27 तारीख के अंदर इसमें गिरावट ख़त्म हुई। 28 को ने बुलिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल बुलिश ट्रेंड करी, फिर बुलिश कैंडल, फिर कल की डेट में भी इसने इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल ट्रेड करी। ये देखिए, सब थोड़ा सा जूम करके समझाता हूँ। ये देखिए कितने वॉल्यूम के साथ, यानी कि जो ये वीक जो गया है यानी कि 28 29, ये देखिए किस तरह से अप ट्रेंड की तरफ हो चुका है। इसने क्रॉस ओवर किया है, यानी कि इनने 100 जो ये क्रॉस ओवरिंग हुई है, यानी ये एवरेज मूव जो क्रॉस ओवर हुई है, ये 150 दिन के एवरेज मूव को क्रॉस करा इसने, ठीक है, और 7 दिन के एवरेज मूव को तो क्रॉस करके बैठा, 21 दिन के एवरेज मूव को तो क्रॉस हुआ ही है, ठीक है। तो ये क्रॉस मूविंग हुई है 150 दिन की, तो 150 दिन के अप ट्रेंड पर आ चुका है शेयर। तो ये देखिए यहाँ पे भी इन्वर्टेड, यहाँ हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है। अब समझते हैं कि इसका पैटर्न समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इस पैटर्न को समझिए, किस तरह से चार्ट कॉन्सुलेट होकर फिर अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ये पैटर्न समझ रहा है ना आपको, इस पैटर्न को समझिए। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये देखिए विक्ट्री साइन की तरफ भाग रहा है। अभी देखते हैं कहाँ इस किस डेली चार्ट पे कहाँ किस कैंडल पे सपोर्ट ले रहा है। तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग ये चल रहा है इस टाइम पे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर, जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा हमारा 52 रुपीज़ का। तो आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको 52 रुपीज़ का क्यों रहेगा वो। तो इस कैंडल पे सपोर्ट ले रहा है, इस कैंडल पे सपोर्ट लगा, तो पहला जो टारगेट है, क्योंकि ये कैंडल जो है ये कैंडल 68 रुपीज़ की है, 68 रुपीज़ की कैंडल जब ख़त्म होगी तो पहला टारगेट इसमें आएगा 70 रुपये का। तो पहला लेवल जो हमारा 70 रुपये का है, तो वो पहला लेवल को 70 को जब भी हीट करेगा, तो जैसे ही हीट करेगा 70 रुपये को, फिर इस कैंडल पर सपोर्ट लेगा। ये इस कैंडल पर सपोर्ट लेने के बाद ये इस पर दूसरा टारगेट आएगा 75 रुपये का, तीसरा टारगेट आएगा 80 रुपये का। तो तीन टारगेट लिए आप बाय करिए, पेशेंस साथ बने रहिए। अब समझाता हूँ मैं आपको डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे भी। ये आपका वीकली चार्ट आ चुका है, तो ये देखिए वीकली चार्ट पे भी, ये देखिए वीकली चार्ट आ चुका है। वीकली चार्ट पे देखिए कितनी हैवी वॉल्यूम के साथ इस वीक, लास्ट वीक इसमें ट्रेडिंग हुई है। अब मंडे को इसमें ताबड़तोड़ अप ट्रेंड आएगा इसके अंदर। ये देखिए ये जो कैंडल बन रहा है हमारा, तो ये कैंडल आप देख सकते हैं कितने हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुई है, हैवी वॉल्यूम्स के साथ इसमें भी क्रॉस ओवर हो चुका है। तो ये हो गया हमारा मंडे का भी, ये वीकली चार्ट भी आ चुका है इसमें। तो वीकली चार्ट के अंदर भी ये अप ट्रेंड की तरफ आ चुका है। ये आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ये देखिए मंथली चार्ट पे भी
बुलिस बुलिस कैंडल ट्रेड हो चुकी है, तो दोनों यानी वीकली चार्ट पे भी अप ट्रेंड आ रहा है, डेली चार्ट पे भी आ रहा है अप ट्रेंड, मंथली चार्ट पे भी आ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, 52 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। 75 का पहला टारगेट, 70 रुपये का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 75 और तीसरा टारगेट 80 रुपये, तीन टारगेट का बाय करिए, पैसा बने रहिए। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।